नमस्कार, गृह न्यूज की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में धूमधाम से मनाया गया जुड़वास का त्यौहार, क्षेत्रवासियों ने बारिश के आगमन के लिए भगवान से की प्रार्थना। पीएम आवास योजना के तहत जमा हो रहे फॉर्म, लॉटरी के माध्यम से हितग्राहियों को मकान का होगा आवंटन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के कर्मचारियों ने सांकेतिक रूप से किया धरना प्रदर्शन। क्षेत्र में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान जारी, निगम की टीम घर घर जाकर कर रही लार्वा की जांच। ग्रह न्यूज में खबरें विस्तार से। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर में शीतला जुड़वास का त्यौहार हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करना है। आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु के समाप्ति और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ प्रति वर्ष यह जुड़वास का पर्व मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य नगर में सुख शांति समृद्धि एवं शीतलता की कामना होती है। नगर में विगत 16 वर्षों से लगातार शीतला जुड़वास का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाए जा रहे हैं। नगर स्थित मां शीतला मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ बाजा गाजा एवं धुमाल के साथ कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगरवासियों सहित आसपास के श्रद्धालु भारी तादाद में हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर विशेष झांकी निकाली गई। वहीं भक्तगण बाना पहनकर माता को प्रसन्न करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारी तादाद में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के किराएदार में निवासरत हितग्राहियों के द्वारा लिए गए फॉर्म जमा करने के उपरांत लॉटरी सिस्टम के द्वारा मकानों का आवंटन किया जाएगा। नगर निगम मुख्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म योजना शाखा में जमा किए जा रहे हैं। फॉर्म जमा करने प्रतिदिन फॉर्म लिए हितग्राहियों की भीड़ निगम मुख्यालय में उमड़ रही है। वहीं फॉर्म का आवंटन करना अब निगम मुख्यालय से बंद कर दिया गया है। महापौर संघ गोट कार्यक्रम के तहत विभिन्न वार्डों में आयोजित कार्यक्रम में ही हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म दिए जाएंगे। फॉर्म का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। पीएम आवास योजना के तहत नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों मकान बनाए गए हैं। वहीं कुछ मकान निर्माणाधीन भी हैं, जिसे पूरा करने का कार्य निगम प्रशासन द्वारा तेजी से किया जा रहा है, ताकि हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। फॉर्म जमा करने को लेकर आवास एवं योजना शाखा के प्रभारी विद्याधर देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान मोर आस घटक के अंतर्गत आवेदन जमा का कार्य चल रहा है, और जो जो आवेदन जमा होते जा रहे हैं उसकी स्क्रूटनी करते हुए कंप्यूटर एंट्री भी कार्य चालू है, और महापौर जी का कार्यक्रम वार्डों में चल रहा है, महापौर संघ गोट उसमें भी आवेदन पत्र का विक्रय किया जा रहा है, निगम मुख्यालय से भी फॉर्म जमा लेने का कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि किराएदार में निवासरत निगम क्षेत्र के रहवासियों के लिए योजना का शुभारंभ किया गया है। अब तक सैकड़ों लोगों द्वारा निगम मुख्यालय से फॉर्म प्राप्त किए जा चुके हैं। अब जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे प्रतिदिन यहां हितग्राहियों की भीड़ देखने को मिल रही है। रेड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के स्टाफ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन के पश्चात अपनी मांगों से अस्पताल के उच्च प्रबंधन को अवगत कराया। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ द्वारा अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग और विभिन्न भागों में स्टाफ की तैनाती को लेकर अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार सुबह आयोजित धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में अस्पताल में पदस्थ विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर जायजा ठहराते हुए तत्काल सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि सुरक्षा के अभाव में आए दिन उनके साथ मरीजों के परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जिससे उन पर खतरा बना हुआ है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे अस्पताल में विभागों में स्टाफ की तैनाती की मांग भी
उच्च प्रबंधन से की गई। धरना प्रदर्शन की जानकारी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने दी। यहाँ से स्टाफ द्वारा अस्पताल में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी के देखते हुए, साथ में यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए साथ में कुछ मीडिया हाउस द्वारा एक तरफा रिपोर्टिंग की गई है घटनाओं की, उसके संबंध में विरोध प्रदर्शन किया गया था। उन लोगों का यही कहना था कि जो मीडिया हाउस जो है लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, तो दोनों पक्षों को सुन के कोई भी मीडिया को खबर को चलाए ताकि मरीजों को एक सही खबर मिल सके। इस संबंध में चौकी के लिए थाना प्रभारी से चर्चा हो गई है, वहाँ से भी लेटर जो है एसपी कार्यालय गया है, तो चौकी जल्द खुल जाएगा। स्टाफ की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, वो शासन स्तर के हैं। धरना प्रदर्शन में अस्पताल के सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण को लेकर अस्पताल के उच्च प्रबंधन से मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लार्वे की जांच की जा रही है। जल जमाव वाले पात्रों का निरीक्षण किया गया और कूलर की जांच की जा रही है। लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह भी दी जा रही है। इसके साथ ही पानी को एक जगह अधिक समय तक एकत्रित नहीं रखने को कहा गया। डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण के लिए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत भिलाई निगम के द्वारा निगम आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने विशेष गतिविधियां अपना रही है। टीम के द्वारा वैशाली नगर जोन के अंतर्गत घासीदास नगर में बॉम्बे आवास एवं अटल आवास में मच्छर उन्मूलन का अभियान चलाया गया। इस दौरान एडल्ट मच्छर की रोकथाम के लिए मेलाथियन का स्प्रे किया गया, लार्वा को नष्ट करने के लिए टेलीफास का उपयोग किया गया और वितरण भी किया गया। जन जागरूकता के तहत लोगों को डेंगू मलेरिया एवं पीलिया से बचाव के लिए पंपलेट का वितरण करते हुए प्रचार प्रसार किया गया। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, डेंगू और मलेरिया पीलिया से बचाव के लिए नगर निगम की टीम जो है विशेष टीम का गठन माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया गया है और टीम जो है लगातार अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए डेंगू की रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत में जो टेमी फास है उसका वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो कूलर हैं उनकी जांच की जा रही है, जल जमाव वाले पात्रों की जांच की जा रही है। जहां पर भी एडल्ट मच्छर जैसे ज़्यादा झाड़ी जैसे झाड़ी नुमा होते हैं वहां पर में एडल्ट मच्छर को मारने के लिए मैलाथियन का उपयोग किया जा रहा है और नालियों की सफाई की जा रही है। इस प्रकार से वृहद अभियान और पंपलेट और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दी जा रही है। इस प्रकार से तमाम गतिविधियां डेंगू नियंत्रण के लिए, मलेरिया नियंत्रण के लिए और पीलिया नियंत्रण के लिए अपनाई जा रही है। टीम के द्वारा घासीदास नगर के वार्ड में लगभग 185 घरों का सर्वे करते हुए 82 कूलर की जांच की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए लू से बचाव के लिए भी लोगों को इस दौरान जागरूक किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। धमदा थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के गोदाम से 110 मोबाइल और लैपटॉप की चोरी करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि एक आखिरी फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों के कब्जे से 10 लाख मूल्य से अधिक का चोरी का सामान जब्त किया गया है। अब तक कुल 45 लाख रुपए मूल्य का सामान आरोपियों के कब्जे से जब्त किया जा चुका है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ सके। फ्लिपकार्ट के गोदाम में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार लोगों द्वारा मांग की जा रही थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेकर तत्परता से जांच पड़ताल की और आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
बारात स्वागत इंक्लूडिंग वेलकम ड्रिंक स्नैक्स एंड स्वीट्स अ ब्रेथटेकिंगली डेकोरेटेड वेलकम गेट एंड द अरीना डेकोरेटेड विद फ्लावर्स टू गिव यू द बेस्ट कलर्स इन व्यू वी ऑर्गेनाइज स्पेशल लाइट इफेक्ट्स फॉर ऑल एरियाज We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. चली चली सरकार देखो देखो जनता के द्वार विकास का रेला है जन जन का मेला है काम बनते पल भर में अब कौन अकेला है जांच है कार्यवाही है करता जो बोला है अपनों से अपनों की बात है आइए यह भेंट मुलाकात है आइए यह भेंट मुलाकात है संपर्क समीक्षा समाधान तत्काल कार्यवाही तत्काल निदान मिलिए अपने विधायक देवेंद्र यादव से अपने वार्ड अपने मोहल्ले में अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ देवेंद्र यादव के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और जुड़े भिलाई की भलाई के इस अभियान से आइए यह भेंट मुलाकात है ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग जिले के नगर पंचायत धमदाह इलाके के स्टेडियम के संधारण का कार्य 99 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया है। इस हाईटेक स्टेडियम का टेंडर कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब संधारण कार्य में धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धमदाह नगर पंचायत इलाके में सर्व सुविधा युक्त हाईटेक स्टेडियम के ऑनलाइन टेंडर गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता दिख रहा है। वही इस बात की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होना समझ से परे है। वही पार्षद अरुणी दानी ने अध्यक्ष व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर सैकड़ों ट्रक मिट्टी डला हुआ है और फिलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। जब ठेकेदार को कार्य आदेश नहीं दिया गया है तो फिर मिट्टी फिलिंग का कार्य किनके द्वारा किया जा रहा है और ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जवाबदार प्रशासनिक अमला जवाब देने से कतरा रहे हैं। वहीं इस मामले की तह तक जाएं तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। जी माननीय, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल दिनांक 14/6 को परिषद की बैठक है, लेकिन परिषद की बैठक में ये एजेंडा मेरे पास कॉपी है परिषद की बैठक की, स्टेडियम निर्माण हेतु निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति बाबत विचार व निर्णय। आज दिनांक तक कार्यादेश नहीं दिया गया है, लेकिन स्टेडियम में आज मट्टी डाल के रेडी कर दिया गया है, मट्टी से पूरा फिलिंग कर दिया गया है। ये तो धांधली की तरफ ही इशारा प्रतीत होता है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से पूर्व के SDM जो नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार के हैं ब्रजेश सिंह छत्री जी, उन्होंने अपने किसी मित्र को दे के पूरा मिट्टी फिलिंग करा दिया गया है,
तो पहले कार्यादेश के पहले मैं पूछना चाहूंगा नगर पालिका अध्यक्ष से कि क्यों मिट्टी फिलिंग कराया गया, किसके आदेश पे मिट्टी फिलिंग कराया गया स्टेडियम में? पूरी तरह से गोपनीयता नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा, मैं आरोप लगाता हूं उन पे, नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा पूरी तरह से टेंडर की गोपनीयता खत्म करके अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को, पूरा धमधा नगर में धांधली का कार्य किया जा रहा है। ये आइडिया तो मुझे नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी फिलिंग का काम हो रहा है करके, ये आप, मैं सब इंजीनियर से कंफर्म करके बता देती हूँ। बाकी मेरे आइडिया में तो नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी फिलिंग का कुछ काम हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए धमधा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है, लेकिन बदहाल सड़कों की स्थिति को लेकर ना तो नगर निगम गंभीर है और ना ही जनप्रतिनिधि। पेश है ग्रैंड न्यूज की एक खास खबर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी जनता के लिए सक्रिय हो गई है। वहीं पिछले कई सालों से जनता की परेशानियों से जनप्रतिनिधियों को कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, जनप्रतिनिधि व बड़े नेता सक्रिय हो गए हैं। दुर्ग जिले की सड़कों की यदि बात की जाए तो शहर के कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां की सड़कें आज भी बद से बदतर स्थिति में है। वहीं विधायक और महापौर के नए निवास की बात करें तो सड़कें बिल्कुल चकाचक हो गई है, लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। सड़कों पर चलते समय ये नहीं पता चलता कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है। अमूमन शहर के काफी क्षेत्रों की सड़कें आज भी बदहाल स्थिति पर है। जब भी कभी कोई बड़े नेता का आगमन होता है तब तब सड़कों को लीपा पोती कर सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जाता है, बाद में स्थिति जस की तस हो जाती है। कांग्रेस सरकार के राज में बद से बदतर हुई सड़कों की स्थिति को लेकर एवं पार्षद व सभापति पर सवाल उठाए गए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके शहर की सड़कों की स्थिति खराब है। साथ ही जगह जगह नालियां बदबू और गंदगी से बजबजा गई हैं, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के लगभग 4.5 साल के कार्यकाल बीत गए हैं और इन पूरे 4.5 सालों में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। जगह जगह सड़कें उखड़ी पड़ी है, नालियां बदबजा रही, टूटी नालियां हैं। इस तरह से विकास शून्य कार्यकाल है। दुर्ग की विधायक अरुण बोरा की बात करें, इन्होंने अपने पूरे 4.5 साल की ये कार्यकाल और 9 साल की हम बात करें तो इन्होंने शहर में एक भी परियोजना नहीं ला पाए। शहर की सड़कें, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं, वो बहुत जर्जर हैं। वार्डो में विकास कार्य शून्य है और ऐसे समय में जब चुनाव समीप आ रहे हैं तो शहर में उन सड़कों को डामरीकृत किया जा रहा है जो सड़क सही सलामत है। एक तरह से मेकअप के ऊपर मेकअप लगाए जा रहे हैं। पूरे शहर की जनता देख रही है किस प्रकार से चुनाव के पूर्व लाभ लेने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए सड़कें बना रही है। कहीं पर बेस नहीं डाला जा रहा है, केवल सड़क के ऊपर परत बिछाए जा रहे हैं। अब तो लोग प्रश्न करने लग रहे हैं, जनता पूछ रही है कि ये किस प्रकार से सड़क बनाए जा रहे हैं। ये सड़क के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रहा है, घाल मिल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण है। शहर के आप जितने भी प्रमुख मार्ग देखें, चाहे चंडी चौक से कोलसापारा मार्ग देखें, चाहे चंडी चौक से गौलीपारा वाला मार्ग देखें, इंदिरा मार्केट वाला मार्ग देखें, शहर के जितने तमाम प्रमुख मार्ग में डामरीकरण हो रहे हैं, वो डामरीकरण के अधिकांश सड़क सही सलामत की अवस्था में थे। उन्हें केवल दिखावे के लिए, वोट के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए ये सड़क बनाया जा रहा है, जबकि शहर के भीतरी इलाकों में विकास कहीं नहीं हुआ। कई जगह आधी अधूरे सड़क को छोड़ दिया है, जहां पर पूरी सड़क बनाना था वहां आधी सड़क बनाकर छोड़ दिया है और बाहर की सड़क को केवल दिखावे के लिए बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रखर विरोध करती है और जनता इसका 6 महीने बाद जो होने वाले चुनाव है, 4 महीने बाद उसमें जवाब देगी। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज वैशाली नगर विधानसभा कैंप क्षेत्र में निवासरत सदस्यों की बैठक विवेकानंद नगर कैंप 2 में श्री श्री हरि मंदिर के प्रांगण में समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन सील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कैंप क्षेत्र में निवासरत बंगाली समाज के पदाधिकारी व प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इस बैठक में भारत देश को हिंदू राष्ट्र देश घोषित करने, छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे नमो शूद्र जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति और कायस्थ जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग जाति में शामिल करने, मंदिरों में भगवान की सेवा कर रहे पुजारियों को मासिक वेतन देने के संबंध पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई और इस विषय को शासन प्रशासन के समक्ष रखने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में बंगाली समाज की संख्या 7% से अधिक है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा 2 दशक से अधिक समय से बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर रहने वाले शरणार्थी बंगाली की एक बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम बस्तर के अलावा विभिन्न जिलों में निवासरत है, जिनमें नमो शूद्र जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति तथा कायस्थ जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग जाति में शामिल करने के लिए वह आयोग से सिफारिश करेंगे एवं 90 विधायक सहित 11 लोकसभा सांसद और 5 राज्यसभा सांसद से मिलकर आवेदन सौंप कर प्रस्ताव पारित करने की मांग को रखा जाएगा। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से श्रीमती काजल राय को कैंप क्षेत्र का महिला विभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अरे ऐसा लग रहा है एकदम मौन कैसे हो गए। भारत माता की जय। बंगाली समाज की जय। हरिसंग समिति की जय। काली माई की जय। श्री श्री हनुमान चालीसा की जय। अपना अधिकार लेना होगा लेना होगा लेना होगा अपना अधिकार लेना होगा लेना होगा लेना होगा। बैठक में सुब्रतो राय, नरेश शील, काली प्रदोशील, सपन राय, भूपति मंडल, मानिक शील सहित बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के पुलगांव में स्थित भारतीय विश्वविद्यालय में एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एवं एप्लीकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय में एडवांसेस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एप्लीकेशन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना तत्पश्चात राजकीय गीत द्वारा हुआ। विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. आलोक भट्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के 4 प्रवाहों की जानकारी दी गई, जिसमें प्रथम प्रवाह में विज्ञान इंजीनियरिंग के शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय प्रवाह में विधि प्रबंधन, समाज विज्ञान व कला के शोधार्थी। तृतीय प्रवाह में स्वास्थ्य विज्ञान, फार्मेसी के शोधार्थी तथा चतुर्थ प्रवाह में कंप्यूटर विज्ञान के शोधार्थी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी के संयोजक डॉ. वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार ने जानकारी दी कि 248 शोध पत्र जापान, सूडान, चीन आदि देशों के अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए हैं। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉ. अहमद मौसेल, प्रख्यात शोधकर्ता एवं प्राध्यापक, सूडान ने बहुआयामी शोध को वर्तमान विश्व की आवश्यकता बताया तथा इस प्रकार की संगोष्ठियों का नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाना सौभाग्यपूर्ण बताया। अन्य मुख्य वक्ता डॉ. जलालुद्दीन खान, प्रख्यात शोधकर्ता एवं प्राध्यापक, चीन ने शोध के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉ. KL तांडेकर, प्राचार्य शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव ने संस्कृति संरक्षण के साथ शिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व शोध पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। संगोष्ठी के संरक्षक भारतीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुशील चंद्राकर ने संगोष्ठी को लंबे समय के परिश्रम का प्रतिफल बताया तथा भविष्य में समाज तथा राज्य के शैक्षणिक प्रगति हेतु भारतीय विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आज इस कार्यक्रम के आयोजन इसलिए किया गया है, इससे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होगा और इसमें जो बच्चे जो आज PhD का डिग्री लेने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसमें सभी को इसका लाभ मिलेगा। 250 बच्चे आए थे यहाँ पे जो रिसर्च कर रहे हैं, वो अपना अपना जो किए हैं रिसर्च वर्किंग जो किए हैं उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो प्रयास प्रथम प्रयास है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसको आगे भी 2 साल के अंदर उनको और अच्छे से कराया जाए। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग ने आने वाले समय को निजी विश्वविद्यालयों के लिए उज्जवल बताया तथा शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए। आज 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर हो रहा है, ये बहुत ही उत्तम विचार है विश्वविद्यालय प्रशासन का, जिसमें यहाँ के बच्चों के लिए जो PG प्रोग्राम कर रहे हैं और PhD प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए एक अनूठा अवसर होगा जब वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करके और रिसर्च करेंगे। आजकल का जमाना सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं रहा, अब मल्टीपल सब्जेक्ट का जमाना रहा, इसीलिए कहते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला के और एक नई चीज़ बनाना, ये रिसर्च का एक दिशा बनाता है। भारतीय विश्वविद्यालय इस दिशा में काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। जब से विश्वविद्यालय बना विगत 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इनका निरंतर प्रगति, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के जो चांसलर साहब हैं आपके श्री सुशील चंद्राकर जी को जाता है तथा उनकी पूरी टीम को जाता है, उनके पूरे प्रोफेसर्स, उनकी पूरी फैकल्टी को जाता है जिन्होंने कठिन परिश्रम से इस विश्वविद्यालय का निर्माण करके यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह की पढ़ाई, जिसे कहते हैं क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन और रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के बाद बच्चों में एक उत्साह का वातावरण निर्मित होगा तथा यहाँ के जो टीचर्स हैं उनमें भी उत्साह आएगा और आगे चल के यहाँ पर रिसर्च का भी एक टेम्परामेंट बनेगा, एक रिसर्च का माहौल बनेगा
जो विश्वविद्यालय को बहुत आगे तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। I want to thank everyone who has invited us for this program here for conference on nuclear interdisciplinary research. And we are very glad and happy to be here in this university and in this place here to attend this conference. And I want to thank everyone who was behind this invitation, who was to bring us here. And thanks all of you here. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। बीएम शाह अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने एक नवजात बच्चे की जान बचाई। बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। शास्त्री नगर स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। नवजात प्री मैच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, साथ ही मां का बीपी भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों द्वारा इस स्थिति को देखते हुए बच्चे को सीपैक मशीन लगाई गई। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डॉक्टरों द्वारा इसे अपने पास उपलब्ध साधनों से नियंत्रित किया गया। इसके पश्चात बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई, जिसे हटा दिया गया। वहीं बच्चा दूध भी नहीं पचा पा रहा था, जिसका तात्कालिक उपचार किया गया। अब बच्चे को माँ के पास शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व में नवजात NICU में भर्ती रहा, अब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उसे माँ के पास वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दी। बीएम शाह हॉस्पिटल में 31 तारीख को शाम 6 बजे एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर्ड हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बच्चा प्रीमैच्योर था, 7 माह का था। माँ का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता था, तो वो परिस्थितियाँ देखते हुए बच्चे का माँ का प्रसव ऑपरेशन द्वारा कराया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हमने शुरुआत में सीपैप मशीन लगाई। सीपैप मशीन लगाने के बावजूद बच्चे को सांस की तकलीफ कम ना होके बल्कि बढ़ ही रही थी। जो प्रीमैच्योर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, 7 माह के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं होते। अगर हम नॉर्मल एक टर्म बेबी जो 9 माह में पैदा होता है, उसका लंग्स अगर हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पर अगर लंग वॉल्यूम इतना है, तो प्रीमैच्योर बच्चे का लंग वॉल्यूम और कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को सांस लेने में तकलीफें आती हैं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो स्वास्थ्य नली के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। तो उस पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसके बाद बच्चे की कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया। अगले 2-3 दिनों में हमने सीपैप मशीन हटा दी एवं बच्चे को ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया। अगले 1-2 दिनों में वो भी हटा दिया। सेकेंड जो हमारे लिए चैलेंजिंग था, वो था बच्चे का दूध को पचा पाना। जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, वो उनकी आते भी प्रीमैच्योर होती हैं, तो कई बार फीड के इंटॉलरेंस के इश्यूज आते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन काफ़ी परेशानियां आई, बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, मिनिमम फीड भी वो पचा नहीं पा रहा था। तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चे में इश्यूज आते हैं। 4th दिन से उसने दूध पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से दूध पचा रहा है, अपने आप रो के डिमांड करके खुद से फीड कर रहा है। तीसरा एक बड़ा इशू आता है, जो प्रीमैच्योर बेबीज होते हैं उनमें इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। कोई भी जरा सा भी अगर कोई अनहाइजीन टच हो गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपने NICU स्टाफ का बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से, पूरे NICU टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, बच्चे को इन्फेक्शन ना हो उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया। और हमने 1 staff 1 baby पॉलिसी फॉलो की, जिसमें 1 baby को 1 ही स्टाफ देखेगा, वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो केवल उस बच्चे को ही देखेगा। तो ये पॉलिसी फॉलो की और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। कल हमने उसको NICU से माँ के पास शिफ्ट कर दिया था, माँ के पास 24 घंटे रखा ताकि माँ भी उसके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए। NICU में पहले हम माँ को बुला के माँ को बच्चे से पास में रखते हैं, KMC करवाते हैं, ताकि बच्चा माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बने और माँ भी ट्रेंड हो जाए। उसके बाद हमने बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया, 24 घंटे माँ के साथ रखा। आज माँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हम बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। बच्चे के उपचार में NICU के स्टाफ ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बच्चे को सतत डॉक्टरों की निगरानी में रखकर उपचार किया गया, जिसकी वजह से अब नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस उपलब्धि का श्रेय बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ को जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।